तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर के कैसे फॉर्म आवेदन करते हैं। और ये देखिए, आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन आईडी है तो उसमें देखें आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पास आप न्यू अब कर रहे हैं तो रजिस्टर ना ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको चार स्टेप देखना पड़ेगा, एक तो पर्सनल डिटेल, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, और तीसरा है एडिशनल डिटेल, और चौथा से डिक्लेरेशन। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, तभी आपको पर्सनल डिटेल खोलेगा। डू यू हैव आधार, तो ठीक है आपका आधार कार्ड है तो इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप नो करके अदरवाइज कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है, दूसरे में भी आपको आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करने के लिए और एक बार देना है। अब दूसरे में क्या लिखा है कि यहाँ पे अगर नाम मारेंगे तभी आपका आईडेंटिटी कार्ड है उसको चूज करने के लिए देगा। ठीक है, तब तभी आपका पूछेगा कि कैंडिडेट नेम क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कहन जाई, वहाँ पे आपका नाम दे देना, और दूसरा में वेरीफाई करने के लिए और एक बार दे देना। तभी आपको पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, तो आपके नाम जो है आप पिछले बार कभी अब चेंज किए थे, हाँ या नो है, तो आप आपकी आवाज़ से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेंडर दे देना और फिर जेंडर दे देना, तभी डेट ऑफ बर्थ दे देना यहाँ पे, और यहाँ पे फादर्स नेम दे देना, देन आपका मदर्स नेम दे देना, देन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, क्या आपका बोर्ड क्या है, कि आप बीएससी बोर्ड है या सीबीएसई है, आप जो कोई भी है आप उसको दे देना, और 10 नंबर में आपका रोल नंबर दे देना, तभी आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मेल में जा चले गया होगा, वही इसको भर दीजिए और कैप्चा देके आप साइन इन कर लीजिए। तभी आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम सपोज सिपुन है तो सिपुन @123, तो एस लेटर जो है उसमें बिग रहना चाहिए और एक स्मॉल होना चाहिए, और एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आप आंसर दीजिए, आपका जो कोई आप चूज़ कीजिए, तभी आप 7 स्टेप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दीजिए और पासवर्ड दीजिए और कैप्चा देकर आप लॉगिन हो जाइए। देन आपका जो कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और आपका नेशनलिटी जो है आप इंडियन रहने दीजिए। तभी आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके कोई भी निशानी हो कोई दे देना। तभी डिजेबिलिटी है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो रहिए दीजिए। तभी यहाँ पे आप आपका एड्रेस दे दीजिए, एड पोस्ट लिख के, तभी आपका स्टेट दीजिए, और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट दे देंगे और पिन कोड, और आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जब सेम हो गए तभी आप यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। तभी आप 7 स्टेप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप रिव्यू को अटेयर कर लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तभी आपको ये पर्सनल डिटेल में जो भी दिखा रहा है वो वैसा ही ब्लॉक होके रहेगा। और यहाँ पे आपको पूछेगा वेदर ए पर्सन ऑफ बेंच मार्क डिजेबिलिटी, तभी आप यस या नो पे लिख सकते हैं। तभी यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका एड्रेस और ये सब देखने को मिलेगा, तभी आप नेक्स्ट कीजिए। वेदर यू एक्स सर्विस मैन आर्म्ड फोर्स, तो यहाँ पे यस कीजिए या नो कीजिए, आपकी मर्जी। तब डेट ऑफ जर्नी कब हुए थे, तो डेट ऑफ डिस्चार्ज लाइकली कब आप आर्म फोर्स में लाइक डिस्चार्ज हुए थे, तो लेंथ ऑफ सर्विस आर्म फोर्स यहाँ पर आप दे देना। तर हैव यू एवर जॉइन ए सिविल एक्ट, तो इसके जरिए आप यस या नो कर सकते हैं।
तब आप सब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तार पोस्ट रिलेटेड डिटेल तो रिलीजन टू व्हिच द पोस्ट बिलोंग्स तब सिलेक्ट कीजिए। अब जो कोई भी रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर सिलेक्ट कीजिए, तभी आपको पोस्ट कोड मिलेगा, ये नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, तभी आपका लेवल पोस्ट दीजिए, तभी आपका कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो, और उसके बाद आपका ड्यू प्रोसेस रेगुलर क्वालिफिकेशन द पोस्ट, तो यस या नो आप शब्द दे सकते हैं। ड्यू प्रोसेस रेगुलर एक्सपीरियंस द पोस्ट, यस या नो आप कर सकते हैं। तब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, मेजर ऑफ ड्यूटी क्या है वो लिखेंगे, और कब से पीरियड से काम कर रहे हो और कब तक कर रहे हो उसमें डेट दे देना। तार प्रेफर वन दे देना, एग्जामिनेशन के वन के लिए, तो टू के लिए भी दे देना, थर्ड के लिए भी दे देना। अरे वो पर्सनल बेंच मार्क डिजेबिलिटी, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हो, दूसरे में भी आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो चाहिए। मैं क्या अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, तो यस या नो कर सकते हैं। वेदर उसी की एज रिलेक्शन, यस कर सकते हैं। जो आपको किस लिए चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तर मीडियम आपका स्किल टेस्ट क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। दैन कन्फर्म मीडियम स्किल टेस्ट के लिए आप सिलेक्ट कीजिए। दैन सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपका अपलोड सेक्शन में आपको एक लाइव फ़ोटो उठाना पड़ेगा, उसके जो बैकग्राउंड होगी वो वाइट होना चाहिए। और ये आप वेब के बारे में आप फोटो खींच सकते, और उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन जो ऐप होता है प्ले स्टोर में वो बैकग्राउंड को स्कैन करके उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है अपलोड सिग्नेचर पर आप क्लिक कीजिए। देन आपका सिग्नेचर जो है उसको अपलोड की दीजिए। देन आप सबनेस्ट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद इसको प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आप उसके फाइल जो है पीडीएफ फाइल उसको रख दीजिए आपके पास।